दोस्तों घुटने के दर्द में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपका पूरा एक्सरसाइज का जो फायदा होने वाला था वो शायद नहीं हो पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अगर आपके घुटने में दर्द है और आप हमारे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज से ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं और धीरे धीरे वह ठीक भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसको तुरंत रोक दें, नहीं करें और नहीं तो आपको जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। दोस्तों सबसे पहली गलती जो होती है हमारी वह यह होती है कि घुटने में दर्द रहता है और हम आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं, बैठ जाते हैं। जैसा कि मैं बैठा हूं, ये आलती पालती मार के बैठना बिल्कुल नहीं है। जब भी बैठना है तो आप थोड़ा सा पैर फैला लें। अगर नीचे बैठना है, फर्श पे बैठना है या फिर कहीं बेड पे बैठने की जरूरत पड़ भी गया तो आप हमेशा यह करें कि आप अपने दोनों घुटने के नीचे चाहे तो पिल्लो रख लें, पिल्लो यानी कि थोड़ा सा ऊंचा कर लें किसी भी चीज से, चाहे तो टॉवल रोल रख करके ऊंचा कर लें या फिर बॉल एक आता है वो बॉल रख करके आप बैठ सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या एक घंटा बैठने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं तो कहूंगा कि कोशिश करें कि आप कभी भी आलती पालती मार के ना बैठें, क्योंकि जैसे ही आप आलती पालती मार के बैठते हैं और आप मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को कर रहे हैं यानी कि घुटने में जो गैप की कमी है उसको बढ़ाने के लिए हम दिन भर में दो बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी आलती पालती मार के बैठ जाते हैं यानी कि क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं तो वह आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है, उसका कुछ फायदा आपको नहीं हो पाता। तो पहली गलती तो यह हो गई कि मुझे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, किसी भी हालत में नहीं बैठ। दूसरी गलती, बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो योगासन करते हैं। योगासन हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। अगर आप रेगुलर वे में योगा करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं हर एक तरफ से। तो योगासन में एक आसन है जिसे हम कहते हैं ब्रजासन। ब्रजासन में क्या होता है कि हम अपने दोनों घुटने को इस तरह से रखते हैं और अपने दोनों, मैं इस तरह से करता हूं ताकि आपको समझ में आए, हम अपने घुटने को बिल्कुल कंप्रेस कर चुके होते हैं, पूरा मोड़ चुके होते हैं। तनाव यहाँ पर लिगामेंट पर भी जोड़ पड़ते रहता है और कभी कभी तो खाने के बाद इस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है वज्रासन में। तो इस वज्रासन में बैठने के बाद क्या होता है कि हमारा पैर का जो ये है एंकिल है उसका लिगामेंट, हमारा घुटने का लिगामेंट, इस पे स्ट्रेच पड़ते रहता है। स्ट्रेच अगर पड़ते रहेगा तो होगा क्या कि वह उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा वो हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जिस कारण हमारे घुटने में स्ट्रेंथ वह नहीं मिल पाएगा जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए कभी भी आप, अगर ऐसा जरूरत भी है, ऐसा आपके योगाचार्य ने बताया भी है कि आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, तो वज्रासन में अगर बैठते हैं तो उसके लिए उपाय क्या है कि आप जब भी आप वज्रासन से उठें तो आप अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से करके आप पैर को इस तरह से कर लें और इस तरह से कर लें ताकि आप पैर को इस तरह से घुमा करके स्ट्रेच जो पड़ा हुआ था वहां पे, यानी कि जिस तरह से हम फ्लेक्स, जिस तरह से हम वहां पर कंप्रेस किए हुए थे उस चीज को खोलने के लिए हमें दोनों पैर का इस तरह से करके पैर को हम नीचे रख के थोड़ा सा दबाव डालेंगे अपोजिट साइड में, जिस तरह से हम अपने एंकिल पे बैठते हैं, यानी कि हमारा जो एंकिल है, एंकिल पे बैठने के बाद हमारा पंजा है वह अंदर की ओर हो जाता है, ये राइट का भी अंदर की ओर हो जाता है और लेफ्ट का भी अंदर की ओर हो जाता है। तो उस कंडीशन में मुझे इस पैर को बिल्कुल नीचे रख करके थोड़ा सा स्ट्रेच देना है ताकि जिस पोजिशन में रखता है वह उसी पोजिशन में रहे नॉर्मल रूप से, तो यह जरूरी करना है। दोस्तों इसमें तीसरी जो गलती है वह यह है कि हम कभी भी, अगर मेरे घुटने में दर्द है और बैठने में दिक्कत होती है तो हम कभी भी इंडियन टॉयलेट पे नहीं बैठेंगे। जब भी मुझे वॉशरूम की जरूरत हुई तो मुझे इंडियन टॉयलेट नहीं बल्कि कमोड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में कभी कभी होता है कि कमोड नहीं होने की वजह से इंडियन टॉयलेट पर बैठना मजबूरी हो जाती है
तो उस कंडीशन में भी हमें देर होता है उस घुटने को ठीक होने में, क्योंकि जिस तरह से उपड़ी होकर बैठते हैं हम लोग इंडियन टॉयलेट में, उस तरह से हमारे फिर से वही पोजीशन पे आ जाता है। पूरा एक्सरसाइज किया हुआ जितना हुआ उसका कोई फायदा मुझे नहीं मिल पाता है, इसलिए इंडियन टॉयलेट को भी हमें नहीं इस्तेमाल करना है। चौथा जो गलती होता है, सभी लोग यह कहते हैं कि घुटने में अगर दर्द है तो जितना ज्यादा मॉर्निंग वॉक करो। बहुत सारे लोग ऐसे वो बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो, मॉर्निंग वॉक से या फिर वॉकिंग करो, उससे क्या होगा घुटना खुलेगा। ऐसा बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि घुटने में जब गैप की कमी हुई है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं गैप को बढ़ाने के लिए, तो जैसे ही हम उस पर ओवर यूज करते हैं, उस घुटने का ओवर यूज करते हैं यानी कि मॉर्निंग वॉक करते हैं। देखिए, मॉर्निंग वॉक तभी आप कीजिए जब आपको घुटने में दर्द का समस्या नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का समस्या नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके घुटने के बीच का जो गैप की कमी हो जाती है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, कार्टिलेज की कमी हो जाती है, इस कंडीशन में आपको मॉर्निंग वॉक बिल्कुल बिल्कुल बंद रखना चाहिए, जितना कम हो सके उतना ही। हम अपने घर में भी काम कर रहे हैं अगर, तो वो जितना कम हो सके उतना ही चलें। इसके अलावा बहुत देर तक अगर खड़ा रहना आपके रहने की जरूरत है तो आपको नी कैप पहन करके रहना है, दोनों पैरों पर अपना हाथ देना है। इस तरह से कुछ कुछ गलतियां हैं जो अगर हम नहीं करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें हजारों लोगों का एक घुटने का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं कि घुटने का दर्द मेरा ठीक हो गया सर, अब आगे क्या करना है। मैं उन्हें बताता हूँ आगे क्या करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथ बनाए रखना है। उसके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं जितने भी वीडियो आ रहे हैं स्क्रीन पे आपके, ये मैक्सिमम इसमें जो है वह घुटने से रिलेटेड ही है। घुटने में गैप की कमी है तो कैसे गैप की कमी को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हमारे कार्टिलेज की कमी होगी तो कैसे हम कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।